आपको अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम उपवास का ढोकला बनाएंगे। उपवास में खाने के लिए बहुत ही अच्छा सा ढोकला रेडी होगा, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं उपवास का ढोकला बनाना। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो प्लीज फ्रेंड्स सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपने फीडबैक कमेंट हमें जरूर दीजिए और बेल आइकॉन जरूर दबाइए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है फ्रेंड, तो एक लाइक जरूर आप कीजिए मेरे वीडियो पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। ये हमने समा का चावल लिया है, ये इसे मूर्धन बगर बहुत तरह के नामों से जाना जाता है। ये आपको ग्रोसरी स्टोर में कहीं भी आराम से मिल जाएगा। ये हमने दही लिया है, 5 से 6 चम्मच दही है। ये हमने 2 बड़े चम्मच साबुदाना लिया है। ये तड़का देने के लिए 2 हरी मिर्च हमने स्लाइस में कट करके रखा है। थोड़ा सा राई लिया है, 1/2 चम्मच राई है। ये उपवास का नमक सेंधा नमक है। ये लाल मिर्च पाउडर, अगर उपवास में खाते हैं तो डालिए, नहीं तो इसे आप स्किप कर सकते हैं। ये हरी मिर्च को हमने बारीक कट करके, 1 हरी मिर्च को कट करके लिया है। ये भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। ये बेकिंग सोडा लिया है हमने और इधर पानी लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक जार लेंगे, जार में ये समा का चावल और साबुदाना दोनों को मिक्स करके, हमें ज्यादा पेस्ट पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा सा रवा जितना थोड़ा खुरदरा रखना है, पीसना है, ज्यादा पेस्ट या सॉरी पाउडर नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। इस तरह से देखिए काफी अच्छा पाउडर बनकर के रेडी हो गया है। एकदम ही इस तरह से टच करेंगे आप तो ये थोड़ा खुरदरा जैसा है। आराम से इसे टच करके देखने पे पता चलता है कि एकदम पाउडर नहीं है। इसको एक बाउल में शिफ्ट कर लेंगे। उसके बाद इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और ये दही, इसे उपवास में बनाइए, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी भी है। और ये हरी मिर्च, इन सब को मिक्स करके एक अच्छा सा हमें बैटर तैयार करना है। पहले दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब जरूरत के हिसाब से पानी ऐड करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके। एक साथ पानी नहीं यहाँ डालेंगे, नहीं तो लम्स पड़ जाएगा। इस तरह से घोल करके, घोलने के बाद इसे 5 मिनट्स के लिए रेस्ट पे छोड़ देंगे, ताकि ये जो समक का चावल और साबुदाना है ये सब अच्छे से पूरा फूल जाए। देखिए हमने इस तरह का बैटर तैयार किया है। अभी बाद में हो सकता है फूलने के बाद और पानी की हमें जरूरत पड़ेगी, तो फिलहाल इतना हम करने के बाद इसे हम ढक करके 5 मिनट्स के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद हम आगे का प्रोसेसिंग करेंगे। 5 मिनट्स हो गया, ये काफी अच्छा सा देखिए फूल गया है और इतना थिक हो गया है ये। इसमें हम ज्यादा नहीं, 1-2 चम्मच पानी ऐड करेंगे, ज्यादा हमें पतला नहीं बनाना है। मिक्स कर लेते हैं। जैसे आपका ढोकला का बैटर बनता है उस हिसाब से इसे भी आप रेडी कीजिए बैटर को। ये इस तरह का बैटर एकदम सही है। अब हम यहाँ पे ये
बेकिंग सोडा जो लिया है उसे ऐड कर लेते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो गया, अब हम काफी अच्छा फ्लफी हो गया है। एक इस तरह का बर्तन लिया है हमने, ये कुकर का हमारा बर्तन है, आप जिसमें इडली बनाते हैं आप उसी हिसाब से इसको रेडी कीजिए। हमने इसको पहले ही ग्रीस कर लिया है ऑयल लगाकर। अगर यहाँ पे घी आप खाते हैं तो आप घी यूज कीजिए। सारे बटर को इसमें हम डाल देंगे। ये बहुत ही अच्छा इडली बन करके रेडी होगा, आप उपवास में खाइए, बहुत अच्छा लगेगा। और इसे हल्का सा इस तरह से टैप कर लेंगे और इस पे लाल मिर्च स्प्रिंकल कर देंगे थोड़ा सा, देखने में काफी अच्छा लगेगा। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाल मिर्च भी आप डाल दिए, कोई जरूरी नहीं है कि आप डालिए ही, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले हरी मिर्च का यूज किया हुआ है। हो गया। इधर हमने एक इस तरह का स्टीमर लिया है, आप कुकर में भी इसे बना सकते हैं। और इसको हमने पहले स्टीमर में एक ग्लास पानी डाल करके अच्छे से बॉईल कर लिया है, अच्छा सा गर्म हो गया है, ये एकदम रेडी है। इसमें हम इस बैटर को डाल देंगे और डाल करके इस तरह से ढक के 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी क्वांटिटी कम है इसलिए 5 मिनट्स ही यूज करेंगे। अगर हमारी क्वांटिटी डोसा इसका बैटर का ज्यादा होता तो टाइम इसका उस हिसाब से हम ज्यादा कम ज्यादा कर सकते हैं। ये 5 मिनट्स हो गया, गैस हम बंद कर देते हैं और इसकी लिड को हटाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा ये फूल के रेडी हो गया, इसे निकाल लेते हैं हम। ये बहुत ही अच्छा फ्लफी बन करके रेडी हुआ है, अभी इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं, फिर इसका तब तक इधर तड़का तैयार करते हैं। इस तरह का पैन लेंगे, ऑयल गर्म हो गया है, अब हम इसमें राई को क्रैकर करने देते हैं। गैस को बंद कर देते हैं अभी और इसमें अभी ये हरी मिर्च भी डाल देते हैं और इसे साइड में रहने देते हैं। तब तक इसके साइड्स को हम ओपन कर लेते हैं, इस तरह से चाकू से सारे साइड्स को ओपन कर लिया हमने। इसे इस तरह का एक प्लेट लेंगे, इसमें इस तरह से पलट के टैप कर लेंगे और इसे इस तरह से निकाल लेंगे। फिर एक दूसरी प्लेट लेंगे, ग्रेसिंग अच्छा से नहीं होने से वो थोड़ा चिपक जाता है, इस तरह से दूसरी प्लेट लेके ऐसे हम अब इसे कट कर लेंगे अपने मनचाहे पीसेस के हिसाब से। कट कीजिए इस तरह से, ये बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट बना है, कट करने में ही ये एकदम ही बिल्कुल ब्रेड के जैसा दिख रहा है। अब हम इस पे ये जो तड़का तैयार किया था उसे हम फैला देते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा तैयार हो गया, आपको हम एक पीस निकाल कर दिखाते हैं। ये देखिए काफी अच्छा फ्लफी, एकदम ही फ्लफी बन करके ये तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा सा ढोकला। ये काफी अच्छा ढोकला बन करके रेडी हो गया है, इसे उपवास में खाइए और एंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छा ये उपवास का ढोकला बन करके रेडी हुआ है। फ्रेंड्स एक लाइक जरूर कीजिए, आपको ये कैसा लगा है ढोकला।
ये सामक का चावल, उपवास का चावल का ढोकला है, बहुत ही टेस्टी है ये।